दूसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। रबी अव्वल का महीना आ रहा है, इंशाल्लाह धूमधाम से रबी अव्वल मनाएंगे, हाथ उठा दिया, हर साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, हाथ उठा दिया इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जुलूस कब से निकला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 600 साल तक कोई जुलूस नहीं निकला, रबी अव्वल में कोई जुलूस नहीं निकला, 600 साल गुजर गए कोई जुलूस नहीं निकला। जब सातवीं सदी आई, 700 साल के बाद एक रियाकार बादशाह गुजरा, मुसिल शहर का बादशाह गुजरा, उसने जुलूस निकाला ताकि लोग इसके बहाने से वोट देंगे और मैं सत्ते में रहूंगा। इस सियासत से उसने रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला, जुलूस निकाला। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते, जिस दिन नबी हिजरत करके मदीना आए थे तो मदीना रोशन नजर आ रहा था, जिस दिन नबी मदीना छोड़ करके गए मदीना चारों तरफ से तारीख नजर आ रहा था। 12 रबी अव्वल में हमारे नबी ने दुनिया को छोड़ा। अब जश्न मनाना चाहिए, सोग मनाना चाहिए? सोग मनाने का हुक्म नहीं है, जश्न मनाने की इजाजत नहीं है। ईद में तो इजाजत है, बकरीद में इजाजत है, विलादत में इजाजत नहीं है। इंशाल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे, अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ जवाल, काहे हुआ जवाल, अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान, जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तसलीम, करते सब तसलीम, भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गए रस्ते हुए गुनाह, रस्ते हुए गुनाह, हकीकत खुरा फत में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गए, हकीकत खुरा फत में खो गई, हकीकत खुरा फत में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही रात का ढेर है।